नमस्कार दोस्तों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और हम जो ये सेकंड ग्रेड हिंदी, फर्स्ट ग्रेड हिंदी और नेट के लिए जो क्लासों की सीरीज चालू की है, वो सीरीज कंटिन्यू आप तक आती रही, आपको मिलती रहे। तो हमने दो सीरीज पहले कर दी है, कहानी और नाटकों की, जिसमें महत्वपूर्ण नाटक और कहानियाँ थी वो बताई गई है। और अब ये तीसरी क्लास है, ये उपन्यास की है, जिसमें महत्वपूर्ण जो उपन्यास है उसी के बारे में बताया जाएगा। वह दो क्लास और देखनी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में है लिख दी हुई, सॉरी हमारे डिस्क्रिप्शन में लिख दी हुई है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं देरी न करते हुए। तो इस तरफ तो है लेखक का नाम, उपन्यासकार का नाम और आगे उसका उपन्यास का नाम दिया हुआ है। तो श्रद्धाराम फिलोरी, उनके उपन्यास का नाम है भाग्यवती। लाला श्रीनिवास दास, उपन्यास है परीक्षा गुरु। बालकृष्ण भट्ट, नूतन ब्रह्मचारी, सो अनजान एक सुजान, ये प्रसिद्ध उपन्यास किसका है? तो बालकृष्ण भट्ट का। भारतेंदु हरिश्चंद्र, पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा, ये उपन्यास किसके है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के उपन्यास है। देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर अथवा कटोरा, ये सब किसके है? तो ये देवकी नंदन खत्री के है। चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर अथवा कटोरा, अथवा कटोरा भर खून, कुसुम कुमारी, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, ये सब नाटक है, ये देवकी नंदन खत्री के है। मेहता लज्जाराम शर्मा, मेहता लज्जाराम शर्मा है, उसके नाटकों के नाम है धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, हिंदू गृहस्थ, आदर्श दंपति, सुशीला विधवा, आदर्श हिंदू, ये सब नाटक है, सॉरी ये सब उपन्यास है, ये सब मेहता लज्जाराम शर्मा के उपन्यास है। किशोरलाल गोस्वामी, किशोरलाल गोस्वामी है, उनके नाटकों नाम है प्रण प्रणयिनी प्रणय, त्रिवेणी, लवगलता, इलावती, तारा चपला, मलिका देवी, मलिका देवी व बंग सरोजिनी, अंगूठी का नगीना, लखनऊ की कब्रा व शाही महल सरा, ये सब नाटक है, ये किशोरीलाल गोस्वामी जी के नाटक है। गोपाल राय गहमरे के उपन्यासों के नाम है अद्भुत लाश, अद्भुत खून, खूनी कौन, हरिओद के उपन्यासों के नाम है डेड ठेठ, हिंदी का ठाट, अखलिखा फूल, अधखिला फूल, जगमोहन सिंह के उपन्यास है श्यामा सोपन, पंडित गौरीदत्त के उपन्यासों के नाम है देवरानी जेठानी की कहानी, सियाराम शरणगुप्त के नाटक उपन्यासों के नाम है गोद नारी, अंतिम आकांक्षा, शिवपूजन सहाय के उपन्यासों के नाम देहाती दुनिया, ऋषभ चरण जैन के उपन्यासों के नाम है दिल्ली का कलंक, दिल्ली का व्यभिचार, वेश्यायुग, रहस्यमयी, ये सब उपन्यास किसके है? ये सब उपन्यास है ऋषभ चरण जैन के है। भवानी प्रसाद, पतिता की साधना, चंदन और पानी, त्यागमयी, ये सब उपन्यास है, ये भवानी प्रसाद जी के है। प्रेमचंद के उपन्यासों के नाम है प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, जो अपूर्ण है, मंगलसूत्र है, ये अपूर्ण है, जो पूरा नहीं हुआ है, ये सब किसके उपन्यास है? ये प्रेमचंद जी के उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर के प्रसाद के उपन्यासों का नाम है कंकाल, तितली, इरावती, इरावती है ये क्या है? अधूरा उपन्यास है। निराला, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है,
उनके उपन्यासों के नाम है अप्सरा, अलंका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, काले कारनामे। ये सब उपन्यास है किसके है, निराला के है। पंत जी के उपन्यास है हार, राधिका रमण प्रसाद सिंह, राधिका रमण प्रसाद जी के उपन्यास है राम रहीम, इलाचंद्र जोशी के उपन्यास पर्दे की रानी, घरनामई, सन्यासी, प्रेम और छाया, मुक्ति पथ, जिप्सी, जहाज का पक्षी, ऋतु चक्कर, सुबह के भूले, भूत का भविष्य। जैनेन्द्र जी के प्रमुख उपन्यास है परख, त्यागपत्र, कल्याणी, सुनीता, सुखदा, मुक्तिबोध। ये सब किसके हैं, जैनेन्द्र जी के प्रमुख उपन्यास है। यशपाल जी के उपन्यासों के नाम है दिव्या, अमिता, झूठा सच, झूठा सच के दो भाग है, दादा कामरेड, मनुष्य के रूप, मेरी तेरी उसकी बात, 12 घंटे। ये सब उपन्यास है, ये यशपाल जी के उपन्यास है। अशक, अशक के प्रमुख उपन्यास है गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, सितारे का खेल, बड़ी बड़ी आँखें, गरम राख, एक नन्नी कदील, पत्थर अल पत्थर, ये सब उपन्यास अशक के है। और अमृतलाल सागर के उपन्यासों के नाम है सुहाग के नुपुर, शतरंज के मोहरे, करवट, नाचो बहुत गोपाल, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, मानस का हंस, नवाबी मसनद, सेठ बांकेमल, बिखरे तिनके, महाकाल, भूख, एकदा, नेमिषारण्य, खंजन नयन, करवट। ये सभी है, ये अमृतलाल नागर के उपन्यासकार उपन्यास है। उदय शंकर भट्ट के उपन्यासों के नाम है सागर, लहरें और मनुष्य, डॉक्टर शेफाली, सेंस एसेंस, लोक परलोक, नए मोड़, एक नीर दो पंछी, दो अध्याय। ये सब उपन्यास है, ये किसके, उदय शंकर भट्ट के उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों के नाम है चित्रलेखा, सबही, नचावत, राम गोसाई। भगवती चरण वर्मा है, उनके उपन्यासों के नाम है चित्रलेखा, सबही, नचावत, राम गोसाई। ये सब 3 वर्ष, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सीधी सच्ची बातें, सामर्थ्य और सीमा, आखिरी दाव। ये सब भगवती चरण वर्मा है, उनके उपन्यास है। वृंदावन लाल वर्मा है, इनके उपन्यासों के नाम मृगनयनी, झांसी की रानी, गढ़ कुडार, विराटा की पदिनी, अहिल्याबाई। ये वृंदावन लाल जी के उपन्यास है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास है वैशाली की नगरवधु, धर्मयुग, अपराजिता, नर्मेद, मंदिर की नर्तकी और हृदय की राख, हृदय की प्यास, वेम रक्षाम, आत्मदाह। ये सब उपन्यास है, ये किसके, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री उनके उपन्यास है। राहुल साकृत्यायन के उपन्यास है सिंह सेनापति, जय योधे, वोल्गा से गंगा तक, किन्नरों का देश, शैतान की आंखें, मधुर सोपन। ये उपन्यास है, ये राहुल साकृत्यायन के उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, चारू चंद्रलेख, पुनः नरवा। ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है। उगर, दिल्ली का दलाल, चॉकलेट, बुधवा की बेटी, शराबी, चंद हसीनों की खतूत, फागुन के दिन 4। ये सब उपन्यास है, ये उगर जी के उपन्यास है। रागे राघव का उपन्यास है मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, मेरी बहु बाधा हरो, विषाद में, लक्ष्मी माँ की आंखें, देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, अंधेरे के जुगून। ये सब रागे राघव जी के उपन्यास है। उसके बाद है रेणु जी,
तो रेणु के मेला अंचल फणीश्वरनाथ जी रेणु नाम से जो प्रसिद्ध है, उनके मेलों उनके उपन्यासों के नाम है मेला अंचल, जुलूस, कितने चौराहे, प्रति परिकथा, पलटू, बाबू रोड, मरणोपरांत प्रकाशित। ये पलटू बाबू रोड है, ये इनके मरणों के बाद इनके मरने के बाद में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। उसके बाद है नागार्जुन। नागार्जुन क्या है, बल चन्मा रत्तीनाथ की चाची, नई पौध, उग्रतारा, बाबा बट्टे सरनाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभी पाक, ये सब नागार्जुन के उपन्यासकार हैं। राजेंद्र यादव, तो राजेंद्र यादव के उपन्यासों के नाम है सारा आकाश, उखड़े हुए लोग, सह और मात, मंत्रविद, अनदेखे, अनजान पुल, ये सब राजेंद्र यादव के उपन्यास है। धर्मवीर भारती के उपन्यासों के नाम है गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। उसके बाद है अज्ञेय के प्रमुख उपन्यास है शेखर है जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने, अजनबी, मुक्तिबोध, विपात्र। मुक्तिबोध के उपन्यास कौन से है, विपात्र। डॉक्टर द्वारका प्रसाद के नाटकों के नाम है घेरे के बाहर, मम्मी बिगड़े ले, ये सब नाटक है, ये किसके हैं, सॉरी ये सब उपन्यास है, ये डॉक्टर द्वारका प्रसाद जी के है। उसके बाद है विष्णु प्रभाकर, तो विष्णु प्रभाकर के उपन्यास है निशिकांत, तट के बंधन, अर्धनारीश्वर, सौपनमयी, ये सब उपन्यास है, ये विष्णु प्रभाकर के है। नरेश मेहता के उपन्यासों के नाम है प्रथम फाल्गुन, डूबते मस्तूल, धूमकेतु, नदी यशस्वी है, यह पथ बंधु था, उत्तर कथा, ये सब उपन्यास है, ये नरेश मेहता जी के है। रामेश्वर शुक्ल है उनके है, जो अचल नाम से भी जाने जाते हैं, चढ़ती धूप, नई इमारत, उल्का, मरु प्रदीप, ये सभी उपन्यास किसके है, रामेश्वर शुक्ल अचल के है। उसके बाद है कमलेश्वर, तो कमलेश्वर के है एक सड़क 57 गलियां, लौटे हुए मुसाफिर, डाक बंगला, काली आंधी, समुद्र में खोया हुआ आदमी, बहुत दोपहर, सुबह दोपहर शाम, तीसरा आदमी, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान, ये सब उपन्यास है, ये किसे, कमलेश्वर जी के है। प्रभाकर माचवे के उपन्यासों के नाम है परंतु साया, दुआभा, दर्द के पेवदे, ये प्रभाकर माचवे के उपन्यास है। मोहन राकेश के है अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, नीली बाहों की रोशनी में, कांपता हुआ दरिया, कई एक, अकेले और अंतराल, ये सब किसके हैं, मोहन राकेश जी के उपन्यास है। उसके बाद है निर्मला वर्मा के है वे दिन, लाल टीन की छत, रात का रिपोर्टर, एक चीतड़ा सुख, अंतिम अरण्य, ये सब उपन्यास है, ये निर्मल वर्मा के है। मनु भंडारी के है महाभोज, आपका बंटी, एक इंच मुस्कान, सहयोगी लेखक राजेंद्र यादव, जो एक इंच मुस्कान है इसके सहयोगी लेखक कौन थे, राजेंद्र यादव। मार्कंडेय, तो मार्कंडेय जी का प्रमुख उपन्यास है श्यामल का फूल, उषा प्रिय वंदा के उपन्यास है पचपन खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, ये सभी दो उपन्यास है, ये किसके, उषा प्रिय वंदा के उपन्यास है। सर्वेश्वर के उपन्यास है सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, अंधेरे पर अंधेरा, उड़ते हुए रंग, ये सब किसके है, सर्वेश्वर जी के उपन्यास है। भीषम साहनी के उपन्यास है तमस झरोखे, कड़ियाँ, बसंती, मयादास की माड़ी, ये सब उपन्यास है भीषम साहनी के। शरतचंद्र जी है लेख उपन्यासकार, उनके उपन्यासों के नाम है देवदास, श्रीकांत, चरित्रहीन, ग्रहदाह है,
प्रीणीता, पथ के दावेदार, पथ के दावेदार इन किसके उपन्यास है? तो शरद चंद्र के उपन्यास है। नरेंद्र कोहली, नरेंद्र कोहली के उपन्यास है दीक्षा, अवसर, युद्ध की ओर, अभिज्ञान। तो ये सभी किसके हैं? दीक्षा, अवसर, युद्ध की ओर, अभिज्ञान, ये किसके हैं? नरेंद्र कोहली के। सानी, काला जल, सांप और सीढ़ी, नदियां और सीपियां, ये उपन्यास है, ये किसके हैं? सानी जी के उपन्यास है। राही मासूम राजा, राही मासूम राजा के उपन्यासों के नाम है आधा गांव, सीन 75, असंतोष के दिन, ओश की बूंद, नीम का पेड़, कटरा भी आरजू, ये सब उपन्यास है, ये राही मासूम रज्जा जी के उपन्यास है। श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों के नाम है राग दरबारी, सीमाएं टूटती है, आदमी का जहर, अज्ञातवास, ये उपन्यास है, ये किसके है? श्रीलाल शुक्ल जी के उपन्यास है। हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई के उपन्यासों, हरिशंकर परसाई के उपन्यास है ये रानी नागमती की कहानी, तट की खोज, लक्ष्मीकांत वर्मा, टेराकोटा, खाली कुर्सी की आत्मा, एक कटा हुआ कागज, कोयल और आवृत्ति, ये सब किसके हैं? तो ये सब है हरिशंकर परसाई जी के उपन्यास है प्रसिद्ध। श्रीकांत वर्मा, श्रीकांत वर्मा के प्रसिद्ध उपन्यास का नाम है दूसरी बार। राजकमल चौधरी, राजकमल चौधरी जी के उपन्यासों के नाम है मछली मेरी हुई, मछली मरी हुई, एक अनार एक बीमार, शहर था शहर नहीं था, ये सब उपन्यास किसके हैं? ये राजकमल चौधरी जी के उपन्यास है। उसके बाद है लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यासों के नाम है बड़ी चंपा, छोटी चंपा, मन वर्धावन, काले फूल का पौधा, हरा समंदर, गोपी चंद्र, धरती की आंखें, रूपाजीवा, प्रेम, अपवित्र नदी, ये सब उपन्यास किसके हैं? ये लक्ष्मी नारायण लाल जी के उपन्यास है। मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी के उपन्यासों के नाम है कुरु कुरु स्वाहा, कसंप, नेता जी कहिन, नेताजी कहिन, क्या क्या उपन्यास किसका है? मनोहर श्याम जोशी जी का है। देवराज, देवराज के उपन्यासों के नाम है पथ की खोज, अजय की डायरी, मैं, वे और आप, रोड़े और पत्थर, ये सभी उपन्यास किसके हैं? देवराज जी के उपन्यास है। कृष्णा शोभती, कृष्णा शोभती के उपन्यास है सूरजमुखी अंधेरे के, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, हम हसमत, मित्रों मरजानी, यारों के यार, डार से बिछुड़ी, दिलों दानिश, ये सभी उपन्यास किसके हैं? कृष्णा शोभती के उपन्यास है। महेंद्र भल्ला, महेंद्र भल्ला के उपन्यासों के नाम है एक पति के नोट्स, गिरिराज किशोर, गिरिराज के उपन्यासों के नाम है यथा, प्रस्तावित, ढाईघर, चिड़ियाघर, साहब और मात्राएं, मणि मधुकर, मणि मधुकर के उपन्यासों के नाम है सफेद मेमने, मेरी स्त्रियां, खुले हुए दृश्य, मंजुल भगत, मंजुल भगत के उपन्यासों के नाम है अन्नारो, लेडी क्लब, ये सब किसके हैं? मंजुल भगत जी के उपन्यास है। दुष्यंत कुमार, दुष्यंत कुमार के उपन्यासों के नाम है छोटे छोटे सवाल, दोहरी जिंदगी, आंगन में एक, आंगन में एक वृक्ष। उसके बाद है शैलेश, शैलेश मटियानी, शैलेश मटियानी जी के प्रमुख उपन्यास है सर्पगंधा, मुठभेड़, आकाश कितना अनंत है, डेर वाले, 52 नदियों का संगम, चंद औरतों का शहर, किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई, बोरीबली से बोरीबंदर तक, उगते सूरज की किरण, ये सभी किसके उपन्यास है? शैलेश मटियानी जी के उपन्यास है। भैरव प्रसाद गुप्ता, भैरव प्रसाद गुप्ता है उनके उपन्यास है गंगा मैया, सती मैया का चोरा, ये सब किसके हैं? भैरव प्रसाद गुप्त जी के उपन्यास है। उसके बाद है शिवप्रसाद सिंह रुद्र, तो शिवप्रसाद सिंह रुद्र है इनके उपन्यासों के नाम बैती गंगा, अलग अलग वेतरणी,
देवेंद्र सत्यार्थी के उपन्यास का नाम है रथ के पहिए, कठपुतले, दूध गाछ, ब्रह्मपुत्र। ये सभी किसके उपन्यास है? देवेंद्र सत्यार्थी के उपन्यास है। विमल मित्र के उपन्यास है हम चाकर रघुनाथ के ये उपन्यास है। कैसे कैसे सच, मन क्यों उदास है, फिर। ये सभी किसके हैं? विमल मित्र के उपन्यास है। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित के उपन्यास है मुर्दाधर। रघुवंश के उपन्यास है अर्थहीन। और बंदी उज्मा के उपन्यास है एक चूहे की मौत, सभा पर्व है छांकों की वापसी। हमने इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण उपन्यासों के बारे में जो महत्वपूर्ण थे उसको बता दिया है। फिर भी इसमें कोई आपको डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। और इसी तरह की छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से बहुत सारे नाटक कहानी एक एक साथ आपको बता दिए जाते हैं। इसमें एक ही वीडियो, छोटे से एक वीडियो में आपको 300 से 400 के आसपास नाटकों के बारे में बता दिया है। तो आपको ये जानकारी पसंद आई है, हमारे ये वीडियो पसंद आई है, तो हमारे चैनल आलम स्टडी एंड जॉब को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।